Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 की अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट सेल को फैसिलिटेट करता है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ कि जब भी परचेजर गुड्स परचेज करता है तो वो पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करता, कुछ टाइम बाद वो पेमेंट करता है। तो इसमें जो सेलर होता है वो बायर से एक रिटर्न अंडरटेकिंग ले लेता है। रिटर्न अंडरटेकिंग का मतलब होता है लीगल प्रॉमिस। देखो, इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है और डॉक्यूमेंट दे देता है बायर को। उस डॉक्यूमेंट में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग सेल स्पेसिफाई करता है कि कितनी अमाउंट की सेल हुई है, क्या डेट ऑफ पेमेंट है, क्या प्लेस ऑफ पेमेंट है, सब चीजें वो स्पेसिफाई कर देता है और वो डॉक्यूमेंट दे देता है बायर को। बायर क्या करता है कि उस डॉक्यूमेंट पर साइन करता है। साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है सेलर को। तो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? जब तक बायर अपने सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर पुट नहीं करता है तब तक वो डॉक्यूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है। तब तक वो डॉक्यूमेंट क्या रहता है? ड्राफ्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जब तक बायर अपने सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पर नहीं करता तब तक वो डॉक्यूमेंट क्या रहता है? वो रहता है ड्राफ्ट। और जब बायर अपने सिग्नेचर कर देता है उस डॉक्यूमेंट पर तब वो डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो, इसको सेलर क्यों प्रिपेयर करता है? जो सेलर होता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। जो पर्सन ये डॉक्यूमेंट बनाता है उसे ड्रॉअर बोलते हैं और जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है उसे हम ड्रॉई बोलते हैं। ये टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी, ड्रॉअर और ड्रॉई। तो ये सेलर और बायर, ये तो मैं आपको इजिएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए टर्म्स यूज कर रही हूँ। जो टर्म्स आपके यूज होने वाली है क्वेश्चन में वो है ड्रॉअर और ड्रॉई। तो ड्रॉअर कौन होता है? हु प्रिपेयर्स द बिल, जो सेलर होता है, और ड्रॉई होता है हु एक्सेप्ट्स द बिल, जो बायर होता है। क्लियर? देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर सेलर ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर क्यों करता है। तो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं आपको दो तीन एडवांटेजेस बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है कि अगर इनकेस ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तो जो ड्रॉअर है वो अमाउंट को लीगली रिकवर करवा सकता है ड्रॉई से, क्योंकि उसके पास एक प्रूफ है सेल से रिलेटेड। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि जो सेलर है उसको बार बार परचेजर के पास, बायर के पास पेमेंट से रिलेटेड रिमाइंडर भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो पेमेंट की फिक्स डेट होती है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर लिखी होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉअर एंडोर्स भी कर सकता है थर्ड पार्टी के पास। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं ड्रॉअर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फायदा है। ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है कि ड्रॉई को पता है फिक्स डेट ऑफ पेमेंट। उसे पता है कि कभी भी ड्रॉअर फिक्स डेट से पहले पेमेंट के लिए रिमाइंडर नहीं भेजेगा, तो वो गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है और वो टाइम पर पेमेंट इजीली दे सकता है। समझ आया? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और दूसरा ये क्रेडिट सेल को फैसिलिटेट करता है, क्रेडिट सेल को इंप्रूव करता है, इस वजह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया जाता है। देखो, आपको एक चीज और बताती हूँ,
पुराने जमाने में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नहीं जानते थे, पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हुंडीज के नाम से जानते थे। हुंडीज ये वर्ड पॉपुलर था इंडिया में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये दोनों वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते थे, लेकिन आजकल इंडिया में भी इन नामों का यूज होने लग गया है। आज हम इंडिया में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया हुंडीज टर्म क्या है। हुंडीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंसियंट नेम है, ये इसका पुराना नाम है जो आपके दादा और नाना से बहुत ज्यादा फेमिलियर होगा। देखो आप अपने दादाजी से नाना जी से पूछना कि हुंडी किसे कहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हुंडीज क्या होती हैं। हुंडीज आज मॉडर्न नेम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर? तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये सब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर है फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेज ऑफ ग्रेस, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट एंड बिल आफ्टर साइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किस तरह से डिफाइन करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब देखो मैं ये सारी टर्म्स आपको क्लियर करती हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होना चाहिए, यानी ये ओरल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऑर्डर है, इसमें किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं कंसिडर की जाती। साइन बाय द मेकर, मेकर कौन होता है, ड्रोअर, इसमें ड्रोअर के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जो एक पर्सन को डायरेक्शन देता है, किसे डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन देता है ड्रोई को। सर्टेन पर्सन कौन है, ड्रॉई, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब हुआ कि जो अमाउंट इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफाइन है वो अमाउंट पे करनी है। किसे पे करनी है, ओनली टू यानी ड्रोअर को पे करनी है, या फिर ऑर्डर ऑफ, या फिर ड्रोअर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पे करनी है, यानी जो सेलर है गुड्स का वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस पर्सन को पेमेंट देनी है तो ड्रोई उसी को पेमेंट करेगा, या फिर टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। तो क्लियर हुआ आपको मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न में होता है, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ये साइन बाय मेकर होता है, यानी इसे ड्रोअर बनाता है, सेलर बनाता है, उसके सिग्नेचर सबसे पहले होते हैं, वो डायरेक्शन देता है एक पर्सन को। पर्सन कौन है, ड्रोई। क्या डायरेक्शन देता है कि ड्रोई को एक सर्टेन सम ऑफ मनी की पेमेंट करनी है। पेमेंट किसे करेगा, ओनली टू का मतलब हुआ या तो वो पेमेंट करेगा ड्रोअर को, या फिर वो पेमेंट करेगा ड्रोअर के ऑर्डर को, यानी जिसको वो ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने के लिए उसे पेमेंट करेगा, या फिर वो पेमेंट करेगा बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, यानी जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आप फीचर्स अपने आप लिख लेंगे। फीचर्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये राइटिंग में होना चाहिए, ये ओरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो ये इसी में से इसका फर्स्ट फीचर बन गया। सेकंड फीचर है इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। देखो यहाँ पर किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है,
कभी भी ड्रॉई कंडीशन नहीं लगा सकता है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस तरह की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, उसको पेमेंट करनी है यानी करनी है। तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होती है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं होती है कि आप प्लीज पैसे दे देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ड्रॉअर होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि उसे सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करनी है। क्लियर? इट इज ड्रोन बाई मेकर। ड्रोन बाई मेकर का मतलब ये हुआ कि ये जो बिल है ये बनाया जाता है ड्रॉअर के द्वारा। ड्रॉअर कौन है? सेलर। जो सामान बेच रहा है वो इस बिल को बनाता है। इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? परचेजर। जो सामान खरीद रहा है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी वो अपने सिग्नेचर बिल पर जरूर करेगा, तभी ये बनेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। देखो किस डेट को पेमेंट करनी है ये फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर 15 तारीख को पेमेंट करनी है तो 16 को कर रहे हैं या 14 को कर रहे हैं या दो दिन बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, ये लिखी होनी चाहिए कि किस डेट को आपको पेमेंट करनी है, तो ड्रॉई उसी डेट को पेमेंट करेगा, एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ पेमेंट मस्ट बी डेफिनेट। देखो कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी है ये भी डेफिनेट होनी चाहिए। सपोज 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है तो इसका मतलब होता है 20,000, 19,500 बिल्कुल भी नहीं होता है, ना 19,500 ना 21,500, यानी ना इसमें कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। ये एक डेफिनेट अमाउंट होती है, फिक्स अमाउंट होती है जो ड्रॉई को पेमेंट करनी है। क्लियर? द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल। अब जो ये स्पेसिफाइड अमाउंट है, सपोज 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है तो किसे करनी है? जिस पर्सन का नाम बिल में लिखा हुआ है, या फिर टू हिज ऑर्डर। टू हिज ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर। ड्रॉअर ने जो ऑर्डर किया है कि पेमेंट किसे करनी है, पेमेंट उसे होगी, या फिर टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है पेमेंट उसे होगी। क्लियर? तो ये जितने भी पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, ये सारे फीचर्स आप डेफिनेशन में से निकाल सकते हैं। देखो ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसमें सिग्नेचर होते हैं मेकर के, फिर इसमें डायरेक्शंस दी जाती है कि सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी है, या तो ड्रॉअर को खुद को पे करनी है, या फिर उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है, या फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट करनी है। क्लियर? तो समझ में आ गए आपको मीनिंग और फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैं आपको बता रही हूँ पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है, पहली है ड्रॉअर, दूसरी है ड्रॉई और तीसरी है पे। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर इज द सेलर और क्रेडिटर हु राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ड्रॉअर वो पर्सन होता है, ये सेलर के नाम से भी जाना जाता है, क्रेडिटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बिल को बनाता है। तो समझ आया? ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर होता है जो सामान बेचता है, जो सामान बेचेगा उसे हम ड्रॉअर के नाम से भी जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से भी जानते हैं और सेलर के नाम से भी जानते हैं, मेकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, ये राइट करता है, ये बिल को बनाता है। क्लियर? दूसरा होता है ड्रॉई। ड्रॉई इज द परचेजर और डेटर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ड्रॉई वो पर्सन होता है जो सामान खरीदता है, इसे हम डेटर के नाम से भी जानते हैं, एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर बिल ड्रॉ किया जाता है फॉर हिज एक्सेप्टेंस, यानी इसको उस बिल पर साइन जरूर करने हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ड्रॉअर ने लिखी है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जब वो सिग्नेचर कर देता है, कौन सिग्नेचर करेगा? ड्रॉई सिग्नेचर करेगा, परचेजर सिग्नेचर करेगा, डेटर सिग्नेचर करेगा। जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तब बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो रहता है ड्राफ्ट,
ये ध्यान रखना आप, जब तक ड्रोई के सिग्नेचर नहीं होते हैं बिल पर, तब तक बिल ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ड्रोई अपने सिग्नेचर दे देता है बिल पर, वो अपना एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सेकंड पार्टी है, और थर्ड पार्टी है पेई। देखो पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू होम द अमाउंट इज टू बी पेड। अब देखो पेई वो पर्सन होता है जिसे पैसे लेने हैं। अब देखो पैसे कौन लेगा? पैसे ड्रोअर खुद भी ले सकता है। पेई कौन कौन हो सकते हैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ड्रोअर खुद पेई हो सकता है। ड्रोअर कौन है? सेलर। यानी सेलर ने सामान बेचा है बायर को, तो वो उससे खुद पैसे ले सकता है। एक तो हो गया पेई खुद ड्रोअर। दूसरा कौन हो गया? बैंक। अगर वो बैंक से बिल्कुल डिस्काउंट करवा लेता है तो जो ड्रोई है वो पेमेंट करेगा बैंक को, तो बैंक हो गया पेई। ठीक है। और तीसरा केस है एंडोर्सी। यहाँ पर एंडोर्सी भी पेई हो सकता है। एंडोर्सी कौन होता है? जिसको ड्रोअर बिल दे देता है। समझ में आया? जब ड्रोअर बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो वो होती है एंडोर्सी। तो यहाँ पर एंडोर्सी भी पेई हो सकता है। क्लियर? तो पेई कौन कौन हो सकते हैं? ड्रोअर खुद हो सकता है, बैंक हो सकता है, या फिर एंडोर्सी हो सकता है। तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? समझ में आया? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर करने के लिए। ऑन 1st July 2021 रामलाल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2 lakh टू श्यामलाल ऑन क्रेडिट, द पेमेंट ऑफ विच इज मेड आफ्टर 2 months। रामलाल ऑर्डर्ड श्यामलाल टू पे ₹2 lakh टू कांतिलाल। अब देखो इन तीनों में हमें ये पता लगाना है कि कौन ड्रोवर है, कौन ड्रोई है, और कौन पेई है। यहाँ पर जो सामान बेच रहा है, सामान कौन बेच रहा है? सामान बेच रहा है रामलाल। तो मैंने आपको बताया था जब कोई सामान बेचता है तो वो होता है ड्रोअर। तो ड्रोअर कौन हो गया? रामलाल। क्लियर? अच्छा, जो परचेजर होता है, जो सामान को खरीदता है, वो होता है ड्रोई। तो यहाँ सामान कौन खरीद रहा है? सामान खरीद रहा है श्यामलाल। तो श्यामलाल है ड्रोई। क्लियर? अब देखो पेई कौन है? यहाँ पर रामलाल ने सामान बेचा है श्यामलाल को, यानी श्यामलाल पैसे किसे देगा? रामलाल को। लेकिन रामलाल ने श्यामलाल से क्या कहा कि आप पैसे मुझे मत देना, आप पैसे देना कांतिलाल को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? देखो यहाँ पर रामलाल ने श्यामलाल को ऑर्डर किया है, ऑर्डर्ड श्यामलाल टू पे ₹2 lakh टू कांतिलाल। तो यहाँ पर पेई हो गया कांतिलाल। क्लियर? जब तक ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो आप एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तीनों टर्म्स आपको क्लेरिफाई करनी बहुत जरूरी है कि ड्रोअर, ड्रोई और पेई में क्या डिफरेंस होता है। ड्रोअर होता है सेलर ऑफ द गुड्स। यहाँ पर रामलाल ने सेल की है तो यहाँ पर वो ड्रोअर बन गया। परचेज किसने की है? श्यामलाल ने, तो वो ड्रोई बन गया। और कांतिलाल को पेमेंट रिसीव होनी है, वो बन गया पे। क्लियर? तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ डेज ऑफ ग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। देखो डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है? 3 days एक्स्ट्रा, 3 extra days हम ऐड करते हैं टू द पीरियड ऑफ द बिल। इट इज कंपल्सरी टू ऐड डेज ऑफ ग्रेस। देखो हर बिल ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस ऐड करनी बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, एक्सेप्ट बिल्स पेबल ऑन डिमांड। ये बिल छोड़ करके सारे बिल्स में 3 days ऑफ ग्रेस ऐड
ऐड होती है। ये कौन सा बिल है जिसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होती, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर देखना, सारी टर्म्स मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो देखो, डेज ऑफ ग्रेस हम कैसे ऐड करते हैं। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 5th March एंड इज पेबल 3 months आफ्टर डेट। देखो, एक बिल है जो 5 मार्च को ड्रॉ किया गया है, यानी सेलर ने बिल कब बनाया है, बिल बनाया है 5th March को, ठीक है, और वो पेबल कब है, 3 months आफ्टर डेट। तो पहला महीना क्या हो जाएगा, मार्च के बाद क्या आएगा, 5th April, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 5th May, तीसरा हो जाएगा 5th June, यानी ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा महीना हो गया और ये तीसरा महीना हो गया। 5th June को जो पीरियड है वो एंड होता है बिल का। यहां पर हम 5th June में ऐड करेंगे 3 days ऑफ ग्रेस, तो बनेगी हमारी ड्यू डेट। यानी 5 मार्च को जो बिल बना है उसके 3 महीने पूरे हो रहे हैं 5 जून को, 5 जून में हम 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8th June। यानी जो परचेजर है, जो ड्रॉई है, वो पेमेंट करेगा 8th June को। तो मैंने यही लिखा है, 3 months विल एंड ऑन 5th June प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 8 June। क्लियर? तो समझ आया आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले आप 5 मार्च से 3 महीने तक देखेंगे कि 3 महीने कहाँ एंड होते हैं। तो देखो, 5 मार्च से 5 अप्रैल 1 महीना हो गया, 5 मई 2 महीने और 5 जून हो गए 3 महीने। जहां 3 महीने खत्म होते हैं वहां आप 3 दिन और जोड़ देंगे, तो जब 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आपको मिलेगी वो होगी ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। क्लियर? देखो, इसमें 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको ये देखना है कि जो बिल का पीरियड है वो मंथ में दिया है या फिर वो डेज में दिया है, ये आप बहुत ध्यान से कंसिडर करने के बाद ही आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको बिल का पीरियड मंथ में है तो आप कैलकुलेशन भी मैच्योरिटी डेट की इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ करेंगे। जैसे देखो, एक बिल है जो ड्रॉ किया गया है 30th Jan 2017 फॉर 1 month, यहां पर मंथ स्पेसिफाई है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन होगी ये इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ्स होगी और उसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड हो जाएंगे। तो देखो, जो बिल ड्रॉ किया है वो 30th Jan को किया है 1 महीने के लिए, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट होगी 28th Feb प्लस 3 days ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू 3rd March। देखो, बिल ड्रॉ कब किया, बिल ड्रॉ किया 30th Jan को 1 month के लिए, तो 1 month का मतलब क्या हुआ, 1 महीना खत्म होने में 28th Feb डेट आती है। देखो, 30 जनवरी से 28th Feb यहाँ पीरियड एंड हो जाता है बिल का, और इसमें हम 3 दिन जोड़ेंगे ग्रेस के, तो 3 दिन जोड़ने के बाद ये बन गया 3rd March। क्लियर? यहाँ आपको ये ध्यान नहीं रखना है 1 month में कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। देखो, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 days होते हैं, जो अप्रैल होती है उसमें 30 दिन होते हैं, तो यहाँ इस तरह से जो डेज है ना, एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, हम डेज को काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ मंथ देखते हैं, मंथ के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कितने मंथ बाद जो मैच्योरिटी डेट है वो आएगी, कैलेंडर मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि बिल के पीरियड की जो कैलकुलेशन है वो डेज में स्टेटेड है। When period of bill is stated in days, calculation of due date will be in days plus 3 days of grace. देखो, अगर question में आपको days दिए हो तो आप calculation करेंगे days count करके। जैसे देखो, a bill drawn on 1st Jan 2017 payable 60 days. यहाँ पर देखो, 60 days define किया गया है, तो यहाँ पर आप days
काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि किस महीने में कितने दिन हैं, उसके बाद आप ड्यू डेट निकालेंगे। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन, लेकिन बिल ड्रॉ किया गया है 1 जनवरी को, तो जनवरी के कितने दिन बच गए, 30 दिन बच गए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लेते हैं फरवरी, फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन। क्यों 28 दिन है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, आपको देखना है कहीं लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर होगा तो आप फरवरी के 29 डेज लेंगे, तो 2017 है, ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर हम फरवरी के 28 डेज ले लेते हैं। अब देखो हमें टोटल 60 डेज कैलकुलेट करने हैं, तो 30 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, कितने हुए 58 डेज, लेकिन हमें चाहिए 60 डेज, तो हम ले लेते हैं 2 दिन मार्च के, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है डेज की ये कंप्लीट हो गई, 60 डेज आ गए, लेकिन हमें 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ने हैं, तो बिल ड्यू कब हो जाएगा, 5 मार्च को, समझ आया। देखो जो 2 मार्च है उसमें हम 3 दिन ग्रेस के जोड़ रहे हैं, डेज ऑफ ग्रेस, ये आपको कंपलसरी है ऐड करना। जब आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तभी आपका मैच्योरिटी पीरियड निकलेगा। यहाँ 30 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 2 दिन मार्च के, और उसमें 3 दिन जब हमने ग्रेस पीरियड जोड़ा है, डेज ऑफ ग्रेस जोड़े हैं, तो 5 मार्च को बिल ड्यू हो जाता है। ये होता है कैलकुलेशन, जब डेज में स्टेटेड होती है तो हम दिन कैलकुलेट करते हैं, ना कि हम मंथ कैलकुलेट करते हैं कैलेंडर मंथ के बेस पर, क्लियर। तो ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। ये तीनों ही टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि ये कौन सा बिल है, बिल एट साइट है, बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है। ये तीनों ही क्लियर होने चाहिए, इन तीनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, तभी आप प्रॉपरली जो डेट है बिल की, मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिल एट साइट क्या होता है। बिल एट साइट एंड बिल ऑन प्रेजेंटेशन मीन्स पेबल ऑन डिमांड। देखो बिल एट साइट का मतलब क्या हुआ, साइट, साइट का मतलब क्या होता है, देखते ही। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करते ही, यानी जैसे ही ड्रोअर ने ड्रोई के सामने बिल प्रेजेंट किया, जैसे ही ड्रोई ने बिल को देखा, ही इज एंटाइटल्ड टू मेक पेमेंट, तो इसे हम कहते हैं पेबल ऑन डिमांड। ड्रोई को बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो बिल होता है बिल एट साइट। बिलेट साइट में यही होता है कि जैसे ही ड्रोअर ड्रोई के पास बिल लेकर जाता है तो बिल को देखते ही वो पेमेंट करेगा, ही इज एंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट, क्योंकि ये बिलेट साइट है। ये चीज पहले ही बिल पर लिख दी जाती है, जिस पर जो ड्रोई होता है अपने सिग्नेचर कर देता है कि मैं बिल की पेमेंट बिल की डिमांड पर करूंगा, यानी जैसे ही आप मेरे सामने बिल लाएंगे उस पर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता है, नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन इन द बिल कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद बिल की पेमेंट होगी। जैसे ही ड्रोअर ड्रोई के पास बिल ले जाता है तो ड्रोई को बिल की पेमेंट करनी होगी, वो होता है बिल एट साइट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज नॉट एंटाइटल टू डेज ऑफ ग्रेस, यहाँ पर 3 डेज ये अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर ड्रोई कहता है कि नहीं आप 3 दिन की मुझे मोहलत दे दो, 3 दिन बाद दे दूंगा, क्योंकि 3 डेज ऑफ ग्रेस हर बिल में दिए जाते हैं, तो जो बिल पेबल ऑन डिमांड होते हैं उनमें 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलती है, यानी यहाँ पर ड्रोई को किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी होगी, ये होते हैं बिल एट साइट, क्लियर। दूसरा है बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मीन्स द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड। देखो बिल आफ्टर डेट में क्या होता है कि जिस दिन ड्रोअर बिल ड्रॉ करता है उसी दिन से
बिल के पीरियड की काउंटिंग शुरू हो जाती है और 3 दिन ग्रेस के भी इसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, बिल ड्रोन ऑन 1st January 2021 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। देखो आफ्टर डेट ये वर्ड यहाँ पर स्पेसिफाई है। एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15th January 2021 ड्यू डेट विल बी 4th March। देखो एक बिल ड्रॉ किया गया है 1st Jan को, 1st Jan को बिल बनाया था ड्रोअर ने, लेकिन ड्रोई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया है 15 Jan को। यहाँ पर ड्रोई कब बिल को एक्सेप्ट कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो डेज की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी वो 1st Jan से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बिल पर ऑलरेडी स्टेटेड है 2 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब ये हुआ कि जिस दिन बिल बना है उसी दिन से बिल की कैलकुलेशन की स्टार्टिंग हो जाएगी ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए, ना कि एक्सेप्टेंस डेट की कोई कंसिडरेशन होगी। यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस की डेट है वो 15 Jan है, यानी उसने 15 जनवरी को बिल पर सिग्नेचर किए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कब सिग्नेचर कर रहा है, क्योंकि बिल है पेबल आफ्टर डेट। तो देखो 1st Jan से 1st Feb हो गया 1 महीना, और 1st March ये हो गए 2 महीने। देखो 1st Jan से 1st Feb 1 महीना हो गया, और दूसरा महीना 1st Jan से 1st March तक हो गया। तो और उसमें हम 3 दिन जोड़ देंगे ग्रेस के, तो बिल ड्यू होएगा 4th March को। क्लियर? अब देखो जो नेक्स्ट टर्म है ये है बिल आफ्टर साइट। ये बिल्कुल अपोजिट है बिल आफ्टर डेट के। आफ्टर साइट मीन्स द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड। देखो बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या हुआ, आफ्टर साइट, साइट मतलब देखना, देखने के बाद, यानी जब ड्रोई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तब से बिल के पीरियड की काउंटिंग शुरू होती है। यहाँ पर बिल किस दिन ड्रॉ किया जाता है उसे कंसिडर नहीं किया जाता, इसमें भी 3 डेज ऑफ ग्रेस अलाउड होते हैं। जैसे देखो अब बिल डेटेड 1st Jan 2021 इज पेबल 2 मंथ्स आफ्टर साइट। आपको ये ध्यान रखना है बिल में स्टेटेड है वर्ड आफ्टर साइट। एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15th Jan। आपको ध्यान क्या देना है कि बिल एक्सेप्ट कब किया गया है उस दिन से आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे। बिल एक्सेप्ट किया है 15th Jan को, तो आप 1st Jan को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बिल है ये है आफ्टर साइट। तो यहां जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो आप 15th Jan से शुरू करेंगे कैलकुलेट करना, तो 2 मंथ के लिए बिल है 15 Jan to 15 Feb, ये हो गया 1 महीना, और 15 March ये हो गए 2 महीने। देखो 15 Jan से 15 Feb 1 मंथ, और 15 Jan से 15 March ये हो गए 2 मंथ्स कंप्लीट, और इसमें हम जोड़ देंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 18th March। तो यहां पर 18th March को बिल की पेमेंट ड्यू होगी। क्लियर? ये टर्म क्लियर हुई आपको? आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि बिल आफ्टर साइट है, बिल आफ्टर डेट है, या फिर बिल एट साइट है, ये कौन सा वर्ड स्पेसिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्यू डेट की कैलकुलेशन करेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप ड्यू डेट रोंग कैलकुलेट कर लेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी आपकी रोंग होगी और आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। देखो जो भी यहाँ नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। मेरे वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो क्लियर हो जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सारे प्रैक्टिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगी, और आगे भी जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।